हेलो गाइस, माय नेम इज़ विनायक और आप देख रहे हैं नॉट क्वेश्चन यूट्यूब चैनल, जहां आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा ब्लेड, एक ऐसा डैगर जिसको हम लोग खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा नाइफ बनाने के लिए जिसको आप अपने हाथ से खोल सकें और बंद कर सकें, आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रही वो। सबसे पहले हमें एक आइसक्रीम स्टिक लेनी होगी उस डैगर के ब्लेड को बनाने के लिए। डैगर या फिर नाइफ, जो भी आपको चाहिए उस तरीके का आप काट सकते हैं। मुझे सिंपली एक डैगर की शेप चाहिए, इसलिए मैं आगे का पार्ट थोड़ा ऐसे ऐसे करके रखता हूँ। इसको ज़रा काट लेता हूँ, मैंने शेप काट लिया है। अब इसमें होल कर लेता हूँ। होल भी कर लिया मैंने। होल इसलिए किया है जिससे एक टूथपिक इससे पास हो सके और इसी के मदद से वो ऐसे ऐसे करके खुलेगा। इसको साइड में रखते हैं और लेते हैं एक कार्डबोर्ड का पीस और अपनी आइसक्रीम स्टिक जिससे हमने बनाया था ब्लेड, और उसके हिसाब से मेजर करके इतना और इससे दो ऐसे, जिससे वो फ्लैप्स बंद होके वो डैगर का पकड़ने वाला पार्ट बना पाए। चलिए वो कर लेते हैं। ये कार्डबोर्ड मैंने इस आइसक्रीम स्टिक के लेंथ का ही काटा है और इसके दोनों फ्लैप्स बराबर बराबर हैं जिससे ये बंद हो पाए और हमारा जो ब्लेड है वो इससे निकल पाए। तो चलिए पहले वो तैयार करते हैं। इसको मोड़ लेते हैं, एकदम इक्वली मोड़ना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे रखिएगा जिससे आपके हाथ में वो अच्छे से आ पाए। ये मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आ रहा है और ये अच्छे से मोड़ भी रहा है। अब हमें इसमें यहाँ पर एक छेद करना होगा, इस वाले पॉइंट पर। आप एडजस्ट अपने आप से कर सकते हैं कि जितने में आपको ब्लेड चाहिए। आपको ब्लेड इतना चाहिए तो आप यहाँ रखिए, आपको ब्लेड इतना चाहिए तो आप यहाँ रखिए, अगर आपको ब्लेड इतना चाहिए तो आप यहाँ रखिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे बेसिकली ब्लेड इतना ही चाहिए तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इस पे दोनों साइड इस पे पॉइंट बना के दूसरी यहाँ से छेद करते हुए इसमें भी छेद कर लेते हैं। मेरा काम ही नहीं करता है कभी। छेद हो गए हैं दोनों साइड, मैंने दोनों साइड पे बराबर छेद किए हैं, आप भी ऐसा ही करिएगा। अब हमें लेनी होगी अपनी आइसक्रीम स्टिक और लेनी होगी अपनी टूथपिक का वो वाला पार्ट जो हम लोगों ने काटा था। ये देखिए, ये मूवेबल है पूरी तरीके से। अब देख सकते हैं कि ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर भी इतने पार्ट में इसको ओपन करना होगा, जिससे कि जो ये ब्लेड है जब ऐसे करके इधर से आए तो जो उधर उस साइड से ब्लॉक ना हो और उस साइड से भी इजीली मूव करके आ पाए। चलिए शेड कर लेते हैं। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मैं इन दोनों को स्टिक कर दूँगा और ऐसे स्टिक करूँगा कि यहाँ वाला पार्ट खुला रहे, यहाँ वाला पार्ट खुला रहे और खाली जो मूवेबल पार्ट है जहाँ पर आइसक्रीम स्टिक मूव करने वाली है वो खाली मूव कर पाए। जल्दी से मैं इसमें टूथपिक डाल देता हूँ, जल्दी से डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मूवेबल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जो ब्लेड हम लोगों ने बनाया था उसको यहाँ पर लाना है और इसमें लगा देना है। मैंने ऊपर वाली लेंथ छोटी छोटी की है जिससे कि ये मेरा दिख पाए कि ये ब्लेड है और ये मतलब अच्छे से मूव भी कर पाए। अब ये हो चुका है, अब ये सिंपली मूव कर पाएगा इस तरीके से। हमारा आइडिया काम कर रहा है,
अब हमें एक दिक्कत हो गई है कि हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे। सिंपली जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो पूरा ये जुड़ नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा नीचे स्टेपल कर देंगे और थोड़ा पार्ट इसका स्टेपल कर देंगे, बाकी पार्ट खुला रखना पड़ेगा वरना ये मुड़ नहीं पाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टेपल कर लेते हैं। स्टेपल हो चुकी है। मैं जानता हूँ ये वाला पार्ट थोड़ा खुला खुला सा लग रहा है, पर हम लोग अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारी जो आइसक्रीम स्टिक है वो मूव करना बंद कर देगी, तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। पर एक सलूशन है कि हम लोग इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक और कोई स्टिक लगा सकते हैं ऐसी टूथपिक की जगह, जिससे ये थोड़ा बंद बंद रहे और जैसे ही इसको हमें मूव करना हो तो हम वो स्टिक बाहर निकालें और ये मूव हो जाए। चलिए स्टिक ऐड करते हैं। ये भी हो चुका है और अब हमारा डैगर पूरी तरीके से तैयार है। ये देखिए, जब भी हमें इसको अंदर वापस लॉक करना हो हम ये स्टिक ऐसे करके निकालेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको वापस बंद करेंगे, इसको भी निकालेंगे। मैंने ये एक और लगा दिया जिससे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहेगी और जो हमारा डैगर है वो खुलेगा नहीं। पूरी तरीके से बन चुका है हमारा डैगर, बस अब इसको पेंट करना है, तो मैं पेंट कर देता हूँ। पेंट भी हो चुका है और मेरा डैगर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे और अमेजिंग DIYs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।